हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है बच्चों को? तो गाइस, अभी बाबा जी का मेरे पास फोन आया था। बाबा जी ने मुझको बुलाया है, उन्हें कुछ सामान की जरूरत है, तो भाई हमें वो ला करके देना है। उसके बाद देखते हैं भाई वो भूत को भगा पाते या नहीं भगा पाते, वो तो बाद में पता चलेगा। तो अभी भाई मैं उनके पास जाऊंगा, तो यार पहुंचते हैं वहां पर। गाइस, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस करके यार ऑल पे सेट कर दो उसको। ओके गाइस, तो गाइस आप लोगों का लगता है बाबा जी भगा पाएंगे भूत को या नहीं भगा पाएंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो भाई विश्वास अब थोड़ा कम हो गया उन पे। 50-50 लग रहा है भाई मुझे भगा पाएंगे, मुझे नहीं लगता बाबा जी। देखते हैं भाई जैसा भी होगा। अभी पता नहीं क्या मंगाया है उन्होंने पहले, वो लेकर के आएंगे पता नहीं यार क्या कर रहे हैं बाबा जी भी। मुझे तो ऐसा लगता है घर पे मजे मार रहे हैं बस, इतना मस्त घर है यार फ्रैंकलिन का, सुबह शाम मजे ले रहे होंगे। चलो भाई पहुँचने वाले हैं, वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा बाबा जी क्या चाहते हैं हमसे। तो हमारे प्यारे फ्रैंकलिन का घर भाई बहुत दिन से खाली पड़ा है, बताओ यार इस भूत ने भाई फ्रैंकलिन की कमर तोड़ के रखी है बेचारे की। लो गाइस आ गए हम लोग, तो गाइस अभी घर के अंदर चलते हैं। भाई अभी तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि आज लाइट नहीं गई भाई, घर के अंदर लाइट आ रही है, लगता है बाबा जी ने कमाल कर दिया। गाइस तो ढूंढते हैं बाबा को कहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, ऊपर तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे बाबा जी। ओ बाबा जी नहीं यहाँ पर नहीं है भाई, नहावा तो नहीं रहे? कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, नीचे जा करके देखता हूँ शायद नीचे हो। तो भाई हमारे प्यारे बाबा ने लगता है हमारा काम कर दिया भाई, क्योंकि आज रात है एंड भूत नहीं आया भाई, बहुत कमाल हो गया। नहीं अभी बाबा हैं कहाँ पर ये? ओ भाई साहब बाबा जी, बाबा जी हमारा फ्लोर खराब कर दिया यार तुमने, कुछ नीचे रख तो लेते, सीधा लकड़ियाँ लगा के आग लगा दी, हद हो गई माँ कसम। बाबा जी बहुत महंगा फ्लोर है यार ये घर का। ओके तो गाइस बाबा जी पूरे के पूरे व्यस्त है एकदम भाई हवन करने में। अब इनसे पूछ लेता हूँ भाई क्या मंगाना था, क्या जड़ी मूटी मंगाना चाहते हैं भूत को भगाने के लिए। तो गाइस मुझे तो लगता है बाबा पैसे तो नहीं बना रहे मुझसे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं बाबा से पूछ लेता हूँ भैया क्या क्या मंगाना है। बाबा जी क्या मंगाना है? गाइज ये बाबा नहीं चाहता भाई ट्रेवर जिंदा रहे भाई, इसने बस ऐसे ऐसी चीज़ें बताई है और बात बताने की नहीं है क्या क्या लाना है। बात ये है भाई कहाँ से लाना है भाई, कब्रिस्तान भेज रहा है बताओ, ऐसी जगह जाना है वो भी अभी रात के टाइम भाई, तो मैं अकेला नहीं जाने वाला भाई बिल्कुल ही, और सामान लाना बहुत ज़रूरी है तो लाना तो पड़ेगा ही। तो गाइज मैं फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, उसको भी बुलाता हूँ कि तू भी चल साथ में चलेंगे, आ जा जल्दी से। ओके गाइज तुम उसको फ़ोन लगा लेते हो, फ्रैंकलिन को बुलाते हैं हमारा। तो गाइज फ्रैंकलिन आ चुका है, बट यार इसने बहुत टाइम लगा दिया आने में, बीच में बारिश भी स्टार्ट हो गई। अब कल कोई बात नहीं आराम से पहुँच जाएंगे, बट यार बारिश में ना बाइक बड़ी स्लिप कर दी है, कोई टेंशन नहीं। चलो पहुँचते हैं। ये बाबा है भाई, ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चाह रहा कि हम दोनों कब्रिस्तान जाए, हमें हार्ट अटैक आए मरमुरा जाए और घर पूरा बाबा का। ये बाबा का इरादा कुछ ठीक नहीं है, आज पता चल जाएगा सारी की सारी बात। भाई ये ज़्यादा दूर नहीं है कब्रिस्तान, पहुँचने ही वाले हैं हम। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान की पार्किंग में भाई, यहाँ पे हम अपनी बाइक को आराम से खड़ी कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे ओके कहाँ पर हमें वो सामान मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ढूंढना पड़ेगा, बहुत बड़ा ही कब्रिस्तान है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, बट यहाँ पे बहुत अंधेरा है इसलिए हमने भाई लाइट्स निकाल ली है अपनी। भाई एक बात मैं देखने जा रहा हूँ कि यार ये कौन है, ये मैं इसको बहुत देर से देख रहा हूँ। गाइस एक बात बताओ, रात को लड़की वो भी कब्रिस्तान में, भाई क्या हो क्या रहा है ये? अरे चाची कौन हो तुम, मरने का काम मत करो यहाँ, हम तो मरने के लिए आए हैं, हमारा बाबा हमें मरवाना चाहता है। ऊपर से वो भाई कौन है? अरे पीछे पड़ गए यार, अरे मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, फ्रैंकलिन मार घुसा इसमें, वो भाई चाकू उड़ रहे रे, अरे रे भाई साहब, अरे बाबा की ऐसी की तैसी, बाबा को तोड़ना पड़ेगा घर जाके। ये कौन है तू? अरे हट जा भाई, अरे यार अरे गन निकाल इसकी तो, अरे ले सवार, अरे भाई साहब अरे चाकू लग रहे यार इनविजिबल, ओ भाई साहब कौन कौन चला रहा है, कौन चाकू चला रहा है ये? ओ भाई साहब क्यों है ये, क्या कब्रिस्तान है, बाबा की प्लानिंग तो नहीं मरवाने की हमें? भाई साहब ये बाबा को मैं छोड़ूंगा नहीं माँ कसम। ए भाई साहब यहाँ पे तो ऑलरेडी भूत का कांड, ए कौन गोली चला रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा, ये नहीं मानेगा आज। बेटे तू तो गया इन्हीं का साथ, देख भाई ये चाकू वाले को कैसे मारू, तो दिख भी नहीं रहे बंदे। ओ भाई भाई फ्रैंकलिन निकल भाई, मार मूर देगा, निकल फटाफट, भाग जल्दी जल्दी भाग, अबे भाग जल्दी इधर से, आप बाइक के पास पार्किंग में चल पार्किंग में। अबे ना दिख रहे ना भाई, फेल दिया फ्रैंकलिन के छुरे मार मार के मर गया क्या? बे जल्दी खड़ा हो, जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी आ जा जल्दी। वो भाई साहब क्या पंगा है बाबा का, इस बाबा को मैं छोड़ूंगा नहीं माँ कसम, सामान की ना किया भाई, पहले घर तक पहुँच जाओ, वो सही सलामत इस बाबा को देखूंगा बाद में। एक कहाँ भेजा इसने मुझे भाई साहब, देखो तो सही यार हद होगी, जल्दी आ जा फ्रैंकलिन, देखो आग लगी पड़ी है भाई। गाइस मैं इस बाबा को नहीं छोड़ूंगा माँ कसम यार, ये तो मरवाने का काम कर रहा है भाई। अभी पार्किंग कहाँ चली गई, जल्दी बाइक लेकर के निकलते हैं भाई। ये लड़की कौन है यार, मतलब भाई
हद हो गई भाई, कहाँ है यार बाइक, कहाँ है भाई पार्किंग, कहाँ चली गई? फ्रैंकलिन जल्दी आ जा, मार देंगे यार ये तो, ये बाबा भाई, गाइस ये बाबा यार सच में कुछ झोल कर रहा है, कुछ ना कुछ भाई ये कर रहा है भाई। अभी वो घर जाकर देखते हैं भाई इस बाबा को सबसे पहले, क्योंकि भाई आज तो मरवा देता माँ कसम यार। देखा ना आपने भाई, भाई वो तो ऐसे भागी मेरे पीछे माँ कसम, पता नहीं मैंने क्या चुरा लिया उसका। और गाइस चाकू तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, बंदा बंदा ना कुछ नहीं दिख रहा भाई, बस भाई बजे जा रहे। सच में आज तो बड़े मुश्किल से फंसा दिया भाई इस बाबा ने, मुश्किल से बच कर आए हैं भाई। इस बाबा को घर पहुँचने दो, इस बाबा को सीधा करते हैं अभी जा करके। गाइस लाइट भी नहीं आ रही, मेरी बाइक के काम भी नहीं कर रही, आप लोग चेक कर रहे होंगे रोड पे भी बंदे नहीं है भाई, इसका मतलब कुछ ज़रूरी कांड हो चुका है फिर से भाई, कुछ ना कुछ कांड ज़रूर हो चुका है। ये बाबा भाई बस बेकार निकला भाई, ये बाबा भाई ठीक नहीं निकला यार, इतनी मेहनत से तो इसको ले करके आए थे यार, पता नहीं कौन सी गुफा में बैठा हुआ था, और भाई काम इसने कुछ नहीं करा माँ कसम। अभी करता हूँ इसको सीधा, पहुँच गए भाई, ओके हम घर पर आ चुके हैं, अभी चलते हैं बाबा जी के पास। तो गाइस यार लाइट फिर से नहीं है हमारे घर में, मुझे कुछ कड़बड़ लग रही है यार, तो मैं आराम से अंदर जाता हूँ यार, यार से जाता हूँ यार। ये बाबा पता नहीं क्या कर रहा है माँ कसम, इस बाबा ने ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया यार, क्या पता इसने भूत भगा दिया हो। अभी अंदर जाके देखते हैं, मैं फिलहाल में उसमें शक कर रहा हूँ फ्री फंड में, मतलब भाई क्या पता उसने सही कर दिया हो, मैं उसको गलत समझ रहा हूँ। अभी जा करके सब क्लियर हो जाएगा भाई, आराम आराम से। एक तो सबसे आगे मुझे जाना पड़ता है, अबे यार फ्रैंकलिन आ जा घर तेरा, चक्कर मेरे लगवा रहे हैं ये, मुझे मरवाएंगे सबसे। ओ भाई भाई खून यार, गड़बड़ है फिर से, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओ भाई साहब यार ये फिर से यार वही यार, बताओ गाइस यार भाई ये क्या बात है भाई। ओ भाई शिशु भी यार, यार ये फिर से आ गए गाइस, हद हो गई यार रात को, मतलब यार बाबा कहाँ है, बाबा यहीं पे तो बैठा हुआ था। अबे भाई कुछ ना कुछ कांड है भाई, बाबा को मार मूड तो नहीं दिया इन्होंने। ओ भाई गड़बड़ है, सब गड़बड़ होगा, देखो फिर से भाई वही वाला हाल हो गया जो पिछली बार हमने आए थे घर में जब वो था। ओ भाई लो फिर से भाई काम नहीं कर रही अंदर, घर के अंदर लाइट काम ही नहीं कर रही, अब क्या होगा फ्रैंकलिन चचा। ओ शिट भाई, अब आराम से चलने की कोशिश करते हैं, कुर्सी पे भी खाली है, चलो भाई कुर्सी पे भी नहीं है वो भूतनी। मैं अंदर जा करके देखता हूँ बाबा को, ढूंढता हूँ बाबा कहाँ चला गया ये। ओ भाई बाबा बाबा डर तो नहीं गया कहीं इनसे, बाबा तो दिखाई भी नहीं दे रहा। फ्रैंकलिन भाई ऊपर जा करके देखते हैं, आजा भाई आजा जल्दी से आराम से। कमाल का बाबा यार, ना फोन ना कुछ, सीधा भाग गया भाई, मार तो नहीं दिया इसको, पता नहीं भाई, ढूंढना पड़ेगा बाबा को। वो भाई फिर से, वो भाई ये देखो वो फिर से वो आ गया। अरे यार ये कौन लगा करके जाता है इनको यार, ये कौन है ये भाई, देखो फिर से दिए जल रहे हैं मम्मी है, और ये देखो ये नमूना कैसे खड़ा हुआ आगे। अबे तुझे देख लेता यार मैं अगर गन काम करती तो यहाँ पे। भाई घर में अभी फिर से कुछ ना कुछ कांड है भाई, अब तो मुझे भी यकीन सा हो गया भाई, बहुत ही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि गाइज सब कुछ हमने ट्राई कर लिया यार, बाबा को भी बुला कर लाए, बाबा कुछ अता पता ही नहीं है, पता नहीं बाबा कहाँ भाग गया। अभी मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी ट्राई करते हैं, देखो ये कैसे खड़ा हुआ है नल्लो की तरह। ले भाई गायब गाइज, फिर से गया ये। तो गाइज अभी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अभी फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? ओके ये रहा पीछे खड़ा, मैंने सोचा ये भी गायब तो नहीं हो गई। तो गाइज अभी नीचे जा करके बाबा को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा नहीं नीचे से तो मैं आई हूँ नहीं, मैंने एक दो रूम ट्राई नहीं करे, ये तो फिर बाहर की तरफ होगा, बाबा उसको ढूंढना तो पड़ेगा। ये बाबा भाई फर्जी बाबा, ये सही करने आया था ये, इसका भी इसको ढूंढना पड़ेगा हमें। ये तो वही वाला बात हो गई यार, ये क्या इलाज करेगा, उसका इलाज करवाना पड़ेगा हमें। ये सामने तो नहीं थी ये, ओ भाई ओए फ्रैंकलिन यार तू भी मत डरा ऐसे बीच में खड़ा होकर के, कौन थी भाई, क्या थी ये? ओके ये तो पता नहीं क्या डोलती रहती है, क्या घुस गया इसके अंदर। तो कुर्सी पे, खैर कुर्सी पे कुछ नहीं है अभी, शीशा ये भी ठीक ठाक है। गाइस ये बाबा क्या इलाज करने आया था भाई, ये तो खुद ही गायब हो गया, अब इस बाबा को ढूंढते हैं। चलो घर के अंदर तो नहीं है, मैंने लगभग पूरा घर ही देख लिया है बाहर ही। एक सेकंड गाइस, लास्ट में बार जब हम यहाँ पर आए थे बाहर तो खून नहीं था ना, जितना मुझे याद है गाइस बाहर कुछ नहीं था यार। ये बाहर कहाँ से आया, यहाँ पे भी कुछ भूत है क्या? एक बार ट्राई करता हूँ गाइस देख करके। ओ भाई साहब, बाबा बाबा को फाड़ फूड़ दिया भूतों ने भाई। ओ शिट भाई शिट, जिंदा है क्या? ओ भाई साहब बाबा भी हाथ हिला रहे हैं, कह रहे बचा ले। ओ भाई साहब निकलो यार, बाबा को खत्म, बाबा को कांड कर दिया भाई भूतों ने। निकल भाई निकल फ्रैंकलिन, जल्दी निकल आगे से, हट जा जल्दी आ जा गाइस। ओ भाई साहब फिर से आ गई ये नहीं मानने। ओ भाई गड़बड़ है घर में, गड़बड़ है। अब ये कौन है पे यार, हद हो गई गाइस, हद हो गई गाइस। एक नहीं नहीं भूत आ रहे हैं, नहीं नहीं भूत आ रहे हैं। जल्दी आ बाइक पे बैठ, जल्दी जल्दी फटाफट। अबे फ्रैंकलिन जल्दी आ जा, मैं भाग जाऊंगा तो छोड़ के, जल्दी जल्दी बैठ, जल्दी 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 जल्दी। ओह गाइस भाई ये कौन है? ओ गाइस ये गाइस गाइस ये कौन है गाइस? अब भाई पहले तो थी नहीं, अब नए नए कांड हो रहे हैं कुछ, किसको टांग दिया किसको मार दिया ये। ओ गाइस कुछ लंबे सिस्टम हो रहे हैं भाई,
नहीं भाई ये घर अब रहने लायक नहीं रहा बिल्कुल भी। बैठ भाई नल्ले। तो गाइस ये घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहा भाई। गाइस अब मुझे लगता है फाइनल डिसीजन यही लेना पड़ेगा हमें और फ्रैंकलिन को कि ये घर हमें गाइस बेचना ही पड़ेगा, इसमें अब रहने लायक नहीं रहा। क्योंकि गाइस इसमें भूत बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, आप लोगों ने जैसे देखा बाबा से भी कंट्रोल नहीं हो भाई, बाबा को भी एंड कर दिया गया। बाबा तो फटे पड़े हैं बेचारे, क्या हमें बचाने आए थे, अब कोई उनको बचा लो यार। तो गाइस अब ऐसा लगता है घर कल से ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस अब माइकल का घर भी गया, फ्रैंकलिन का घर भी गया, खैर ट्रेवर का घर बचा हुआ है भाई अभी भी। ओ भाई साहब ये हो क्या रहा है हमारे साथ, यकीन नहीं हो रहा गाइस। ऐसे भूत ऐसे पीछे पड़ गए, किसी ने काला जादू तो नहीं करा दिया, अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मतलब शहर को भी क्या हो जाता है जब हमारे घर में भूत आता है, ना लाइट होती ना कुछ होता। तो गाइस फाइनली भाई लाइट आ चुकी है और भाई फिलहाल अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। बट भाई फ्रैंकलिन और हमने डिसाइड किया कि भाई अब हम नया घर ही लेंगे, उस घर में अब हम नहीं रहने वाले। तो भाई कल जा करके हम बेहतरीन से नए घर देखेंगे और भाई देखते हैं कौन से वाले को ले। तो गाइस इस वीडियो के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। आप लोग बताओ यार आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग ये भी सोच रहे होगे भाई कि भाई आज मैंने कैप क्यों नहीं पहना, बहुत दिन से यार मैं कैप लगातार पहन रहा था। तो आज भाई मैं लास्ट टाइम बाल देखना चाहता था और दिखाना चाहता था आप लोगों को, क्योंकि भाई मैं आज टकला होने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि गाइज यार लॉकडाउन में कुछ भरोसा नहीं यार, कब तक चलने वाला है कुछ भरोसा नहीं है। तो बाल बहुत उल्टे सीधे हो रखे हैं, साइड से बहुत बढ़ गए पीछे। सबसे बढ़िया काम है भाई गंजे हो जाओ, सही लग रहा है मुझे भाई। कुछ पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा। गाइज अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके यार ऑल पे सेट कर दो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।